हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंजॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। ये गाय का दूध है, इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और हमें लेना है 1 लीटर दूध के लिए 1 मुट्ठी जितना चावल। इसे हम धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, यह देखिए मैंने चावल धो के रख लिए हैं। और जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम चावल डाल देंगे। इसके पहले चावल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा दूध फट जाएगा। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ गया है और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें चावल डाल दिए हैं और अब हम गैस को लो ही रखेंगे और इसे पकने देंगे। और इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। फ्रेंड्स, केसर के धागे इतनी जल्दी डालने से जब तक हमारी खीर बन जाती है और फिर ठंडी होती है तब तक इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसमें केसर अभी से डाल दी है। हमें दूध को बार बार बीच बीच में इस तरह मिलाते रहना है ताकि हमारे चावल चिपक न जाए। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध का कलर आ गया है। इसमें केसर या कलर कितना अच्छा आया है। और हमारे चावल भी अभी पक रहे हैं, अभी हमें इसे और पकाना है। तो फ्रेंड्स, यह देखिए हमारा दूध आधा हो गया है और चावल भी पक गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर मैंने आधा कप ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और शक्कर डालने के बाद में हमें गैस को बंद कर देना है। शक्कर अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगी क्योंकि हमारी खीर अभी गर्म है। इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है क्योंकि अगर हम इसे पकाएंगे तो शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और हमारी खीर पतली हो जाएगी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर एकदम ठंडी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर एकदम से परफेक्ट तैयार हो गई है। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अब हमारी खीर तैयार है सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।